जो संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पंचदश अध्याय विविधा श्लोका पाठ का अध्ययन करेंगे और इन श्लोकों को कंठस्थ करके ज्ञान प्राप्त करेंगे। अधमाः धनम् इच्छन्ति, धनम् मानम् च मध्यमाः, उत्तमाः मानम् इच्छन्ति, मानो हि महताम् धनम्। इसका अर्थ है कि संसार में तीन तरह के लोग होते हैं, जिसमें जो अधम होते हैं वे हमेशा विभिन्न प्रकार से धन प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन के साथ सम्मान की भी इच्छा रखते हैं, लेकिन श्रेष्ठ लोग केवल सम्मान की इच्छा रखते हैं। उनके लिए सम्मान ही उनका धन होता है। एकः स्वादु न भुञ्जीत, एकः च अर्थान् न चिन्तयेत्, एको न गच्छेत् अद्धावन्, न एकः सुप्तेषु जागरियात्। इसका अर्थ है कि अकेले ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद कभी नहीं लेना चाहिए और ना ही अकेले धन प्राप्ति की चिंता करनी चाहिए। यात्रा के लिए भी अकेले प्रस्थान नहीं करना चाहिए और ना कभी सोए हुए व्यक्ति को नींद से जगाना चाहिए। प्रिये वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्माद्देव वक्तव्यम् वचने का दृढ़ता। इसका अर्थ है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें हमेशा प्रिय वचन बोलने चाहिए। ऐसे वचन बोलने में कंजूसी कैसी। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुदेव कटुंबकम। इसका अर्थ है कि यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है। वाणी रसवती यस्से श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्से सफलम तस्से जीवनम। इसका अर्थ है कि जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है और जिसका धन दान करने में प्रयुक्त होता है, उसका जीवन सफल होता है। त्रिविधम नरकस्से इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। इसका अर्थ है कि काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि अनमापः सुभाषितम् मूढ़ई पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर तीन रतन हैं, अन्न, जल और अच्छे वचन, परंतु कुछ मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रतन की संज्ञा दी जाती है। यस्य न अस्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम्, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणाः किम् करिष्यति। इसका अर्थ है कि जिस मनुष्य के पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका क्या करेंगे। जैसे नेत्रविहीन व्यक्ति के लिए दर्पण का होना व्यर्थ है। बच्चों, आज हमने भिन्न भिन्न श्लोकों का अध्ययन किया। आप इसे अपने जीवन में संग्रहित करके अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएंगे। धन्यवाद।